Welcome dear friends, today we will discuss about chemical reaction of alcohol, in which we deal with when alcohol were reacted as a nucleophile and when reacted as a electrophile. तो आइए सबसे पहले इस लेक्चर में अपने को डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो देखो अल्कोहल की अगर अपन बात करें तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर से डील करते हैं, तो अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। जो अल्कोहल है अगर उसकी बात करें तो उसकी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो sp3 कार्बन से क्या होता है कनेक्टेड होता है। और आपको अच्छे से ये पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर जो आपके ऑक्सीजन है वो इस वाले OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। मीनिंग ऑक्सीजन अट्रैक्टेड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। तो आपको एक बात तो यहाँ से ये क्लियर होगी कि जो भी आपका अल्कोहल होता है इसके अंदर जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन जो आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका नेचर कैसा होता है, ये पोलर बॉन्ड है। तो ये क्लियर है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग तो यही है। जब भी आप केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा, जो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड कौन से नेचर का होता है, आपके पोलर बॉन्ड है। मीनिंग इस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, आपका पोलर होता है। क्लियर है। अब दो थिंग आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि अल्कोहल है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन आपको प्रोवाइड करवाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग यहाँ पर देखो सबसे पहला पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब कब बिहेव करेगा, तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्हेन ROH बॉन्ड इज ब्रेक डाउन, व्हेन द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड टेक्स प्लेस देन अल्कोहल रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब भी अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा उस वाली कंडीशन में अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड वाली बात आती है आपकी, सेम बात, अल्कोहल रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मीनिंग अब आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शन भी होगी जिसमें अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल। उस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल का कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पर आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड CO बॉन्ड। क्लियर है। नहीं यहाँ पर अगर आपकी अल्कोहल की बात करूंगा तो इसी टाइप से तो अल्कोहल होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। मीनिंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस देन अल्कोहल रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और इस अल्कोहल को आपको जब भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करना है, मीनिंग ट्रीट करवाना है, उस वाली कंडीशन में आपको कैसा अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की, ये ध्यान रखना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जब भी आपको अल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल की तरह एज इलेक्ट्रोफाइल है रिएक्ट करवाना, उस वाली कंडीशन में कौन सा अल्कोहल चाहिए, प्रोटोनेटेड अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। अब एक बार ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर से अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या, कि अल्कोहल है मीनिंग ROH, और अगर इस ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें पार्टिसिपेट कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगी 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितने लोन पे, 2 लोन पे। तो यहाँ पर अटैक होगा जब आपका जो अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो बिहेव है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन है, लोन पेयर ऑक्सीजन एटम, मीनिंग लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब ये ऑक्सीजन वाले लोन पेयर किसी पर अटैक करेंगे तब तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, तो अटैक किस पर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कार्बन पर पॉजिटिव मीनिंग कोई भी कार्बोकेटायन मैंने कंसीडर कर लिया और इनसे अलग अलग ग्रुप क्या कर दिए, अटैच कर दिए। तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट हो जाएगा जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर देखिए आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किए किसको, कार्बन को। ऑक्सीजन और कार्बन के मिड में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का, और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिमिनाइज हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया किसके साथ, कार्बन के साथ, और क्या क्या अटैच है कार्बन से, कोई भी आप यहाँ पर ग्रुप कंसिडर कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाले कंसिडर कर रखे तो आप भी ये कंसिडर कर सकते हो, आर
आर और इधर क्या आ गया एच आ गया, क्लियर है। लेकिन जैसे आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो गई थ्री, और ऑलवेज कीप इट इन माइंड जब भी ऑक्सीजन है वो थ्री बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ऑलवेज ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के पीछे का लॉजिक भी पता चल गया क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया लोन पेयर को डोनेट किया, मीनिंग दो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आपको यहाँ से प्रोडक्ट बनाना है फाइनल प्रोडक्ट, तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बियर नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बियर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, कौन सा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबलाइज नहीं है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से क्या करना पड़ेगा रिमूव, और रिमूव करने के लिए यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में चला जाएगा प्रोटोन की फॉर्म में। तो देखो यहाँ से जैसे ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा प्रोटोन, प्रोटोन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लीव करके जाएगा किस फॉर्म में चला गया माइनस एच पॉजिटिव की फॉर्म में चला गया, मीनिंग प्रोटोन की फॉर्म में लीव हो गया। और यहाँ पर देखो क्या किया इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यही पर लीव कर गया, देखो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहा है, क्लियर है प्रोटॉन के फॉर्म में जा रहा है, मीनिंग क्या है इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर लीव करके जा रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया डिमिनाइज हो गया, वापस से ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आगे बॉन्डिंग सेम टू सेम, मीनिंग यहाँ पर आर यहाँ पर एच और यहाँ पर क्या जाएगा आपका आर। तो आपको ये पहली वाली जो रिएक्शन है ये किसको बता रही है एल्कोहल है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पॉइंट को ये वाली रिएक्शन क्या कर रही है आपके कोरिलेट कर रही है, क्लियर है। सेकेंड वाला पॉइंट देखो जब क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वहां पर कैसा एल्कोहल चाहिए प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और आपको ये ध्यान रखना प्रोटोनेटेड जो एल्कोहल है वो बनेगा कब, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो, जैसे मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल के पास मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो गया ऑक्सीजन हो गया, क्लियर है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन हो गया अल्कोहल के पास ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए आप इस अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करवाते हैं, एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड करवाएगा एच प्लस, और अभी मैंने बोला ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड ऑलवेज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट गेट्स प्रोटोनेटेड, नहीं इस एच प्लस से बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा ऑक्सीजन, तो देखो यहां पर क्या सीन क्रिएट हो जाएगा आर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये तो पहले से था लेकिन इस वाले प्रोटोन के साथ भी ऑक्सीजन क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा लोन पेयर को क्या कर देगा डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहां पर आ गया आपके हाइड्रोजन। वापिस ही देखो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होगी थ्री वैलेंसी होती है कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, नहीं आपको क्या करना है जब भी एल्कोहल को एज इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करवाना है तो वहां पर आपको सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करना है प्रोटोनेटेड एल्कोहल का, और प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्म होगा जब एल्कोहल रिएक्शन कर लेगा किसी भी एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम क्या प्रोवाइड करवाएगा प्रोटोन, प्रोटोन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना लेगा। अब अगर आपसे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है वापिस वही मेथड क्या कर दो डी प्रोटोनेशन, यहाँ से एक अंश हटा देना क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आइए डील करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। अब देखो मैं सबसे पहले आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवा चुका हूँ क्या लॉजिक का डायरेक्ट रिएक्शन, देखिए एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, मीनिंग एल्कोहल कैसे कंपाउंड होते हैं वर्सेटाइल कंपाउंड, मीनिंग मोर टाइप की रिएक्शन क्या करेंगे प्रोवाइड करवाएंगे, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, मीनिंग एल्कोहल वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है साथ में न्यूक्लियोफाइल की तरह भी क्या कर सकता है बिहेव कर सकता है, द बॉन्ड इन बिटवीन द OH, मीनिंग जो एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला इज ब्रोकन वेन एल्कोहल रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, अभी मैंने क्लियर करवा दिया ये देखो, इसीलिए मैंने पहले आपको अंडरस्टैंड करवाया था थीम समझाई थी, ये देखो एल्कोहल में जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, अगर कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो यही मेंशन किया इसने, ये देखिए ओएच बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये देखो सिंपल रिएक्शन ये क्या हो गया आपका एल्कोहल आर ओ एच, इसका मीनिंग ही क्या होता है आपका एल्कोहल, ये देखो इलेक्ट्रॉन मैंने बोला अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन रिच है इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है किस पर अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने कौन सा ले लिया कार्बोकैटायन ले लिया, तो जैसे ये अटैक हुआ ये दीजिए ऑक्सीजन की तीन वैलेंसी हो जाएगी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, और आपको जब पॉजिटिव को रिमूव करना है क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज तो क्या कर जाता है स्टेबलाइज कर जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं करता है, तो इस वाले कंडीशन में
हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ये देखिए एच प्लस की फॉर्म में रिमूव हो गया, और किसका फॉर्मेशन हो गया आपके ऑक्सीजन का, जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया डीमिनाइज होके ऑक्सीजन के पास वापिस से कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, टू आ गए, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट देखो, द बॉन्ड इन बिटवीन द CO मीनिंग कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड का क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, ब्रोकन वेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इस कंडीशन में वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और इसके लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन मैंने पहले मेंशन कर दी थी, प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर, मीनिंग इस मैनर में जो रिएक्शन करेगा उसके लिए रिक्वायरमेंट किसकी, आपको प्रोटोनेटेड एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। अब देखो ये रहा सिंपल सा एल्कोहल, कोई भी एसिडिक मीडियम ले लिया, क्या करेगा प्रोटॉन, और आपको इजीली बताएं कि ये जो आपके ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट अटैक करेंगे इस प्रोटॉन के ऊपर, क्या बना देगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ऑक्सीजन की थ्री वैलेंसी होती है, कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल लेकर आए, ब्रोमाइड है तो यहाँ पर ब्रोमाइड किसका वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है, कहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्यों, क्योंकि ये जो OH2 पॉजिटिव है, कौन सा वाला, ये OH2 पॉजिटिव, ये क्या हो गया गुड लिविंग ग्रुप हो गया, मीनिंग इजिली यहां से लीव कर सकता है, जैसे अटैक किया ये वाला क्या हो गया आपके यहां से लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा H2O, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया डिमिनाइज हो गया, मीनिंग क्या हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, और ब्रोमीन ने कहां पर अटैक किया CH2 से, मीनिंग यहां पर ब्रोमीन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, देखो यही किया ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, और आपके H2O वो क्या हो जाएगा लीव हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि OH2 पॉजिटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, द रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स मे बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप, मीनिंग अपन टू ग्रुप में एल्कोहल की जो रिएक्शन को डिवाइड कर सकती है। तो पहली रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर किसका बॉन्ड क्लीवेज करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है, मीनिंग आपको एक बात तो क्लियर होगी कि जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का क्लीवेज करोगे, पहली बात तो ये वाला बॉन्ड क्या है पोलर है, और जब भी OH बॉन्ड का क्लीवेज करते हो तो वहां पर एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, इसके अंदर अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन कौन सी, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, देखिए एसिडिटी ऑफ एल्कोहल में रिएक्शन किसके साथ है मेटल के साथ, एल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो रिएक्शन किसके साथ करता है एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल में कौन कौन सी मेटल आती है ये ध्यान रखना है, जैसे आपका सोडियम हो गया Na, पोटेशियम हो गया K एंड एल्यूमिनियम हो गया Al, ये तीन ही जो एलिमेंट है इनको एक्टिव मेटल क्यों बोला है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है हाई होती है। तो सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम रिएक्टिव एक्टिव मेटल के साथ जब भी एल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड। अगर मान लीजिए एल्किल ग्रुप है मीनिंग एल्कोहल है तब तो क्या बन जाएगा एल्कोक्साइड बन जाएगा, अगर फिनॉल ने रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा फिनोक्साइड बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस का लिब्रेशन हो जाएगा लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर जो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब भी एल्कोहल आपका रिएक्शन करेगा एक्टिव मेटल के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है ऑलवेज हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा रिलीज करेगा, एल्कोहल है तो क्या बन जाएगा एल्कोक्साइड बन जाएगा, क्लियर है। एल्कोहल के केस में क्या बन गया एल्कोक्साइड, और फिनोल के केस में क्या बन जाएगा फिनोक्साइड। अब रिएक्शन के थीम को अंडरस्टैंड करना किस टाइप से रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है, अब ध्यान से सुनना, ये अगर अब मैं बात करूं एल्कोहल तो एल्कोहल क्या होता है ROH, ये हो गया आपका एल्कोहल, रिएक्शन किसके साथ है एक्टिव मेटल, मीनिंग मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ सोडियम के, ये हो गया Na, क्लियर है, मीनिंग सोडियम के सारे। अब रिएक्शन की थीम को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ किस टाइप से रिएक्शन होती है। तो देखो जो आपके सोडियम है मेटल और मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है एल्कली मेटल का क्या करेगा वन इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा मीनिंग Na+1, और साथ में क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या कर दिया रिमूव कर दिया, क्लियर है। इन सोडियम कैटायन का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें OH बॉन्ड की, क्लियर है, और यहां पर आपको अच्छे से पता है OH बॉन्ड है उसके अंदर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन, मीनिंग यहां पर अगर बात करते हो आप OH बॉन्ड की
तो यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो एक बात बताइए, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल है, जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहल, ऑलवेज वहां पर कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, मैंने ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव यही मेंशन किया। मेटल के साथ रिएक्शन है, मेटल तो ऑलवेज क्या करती है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीनिंग एन ए पॉजिटिव प्लस ए इलेक्ट्रॉन। अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया क्या कि ऑक्सीजन नेगेटिव, ओ नेगेटिव के साथ रिएक्शन में कौन आएगा, एन ए पॉजिटिव। नहीं, यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, इस वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना आपको जब भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है। तो अब देखो क्या सीन क्रिएट होगा, आर तो सेम है, आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन सा था, नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरेक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, मीनिंग ऊपर तो क्या आ गए आपके नेगेटिव, और ओ नेगेटिव से इंटरेक्ट कौन करेगा, सोडियम में पॉजिटिव, मीनिंग क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। साथ में देखो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब देखो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोजन पर प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको अच्छे से पता है कि जब भी हाइड्रोजन, इस साइड मेंशन करता हूं, ये लीजिए, जब भी आपका हाइड्रोजन है वन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटॉमिक हाइड्रोजन में। मीनिंग यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एच का। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है उसके कंपैरिजन में जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, मीनिंग एच टू डायटोमिक हाइड्रोजन है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटॉमिक में नहीं होकर किसमें जाएगा, एच टू में। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना है, वन, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा, वन बाई टू, क्यों, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना हाइड्रोजन आ जाएगा, वन। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि अपन जानते हैं जब भी आपका एल्कोहल है एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस का इवोल्यूशन होता है, वहां पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करना है आपको, तो आपको कितने मोल एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, टू मोल, क्योंकि एल्कोहल में तो एक ही हाइड्रोजन है एक एल्कोहल में, और हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन होते हैं, टू, तो यहाँ पर कितने मोल चाहिए, टू। तो यहाँ पर सोडियम का नंबर भी कितना आ जाएगा आपके पास, टू आ जाएगा, कितने मोल एल्कोक्साइड बन जाएगा, टू मोल, और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो कितने मोल बनेगा, टू मोल, मीनिंग यहाँ पर टू, तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मीनिंग क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस है उसका क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन। अब रिएक्शन आपकी इजीली अंडरस्टैंड हो गई होगी, मैंने यहाँ पर पहले एक मोल से रिएक्शन को प्रोसीड करके बता दिया, और अब यहाँ पर जो डायरेक्ट दो मोल के साथ रिएक्शन करवा रखी है, किस थीम से, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या पिक्चर बनेगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का होता है, 13 ग्रुप का, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस थ्री है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपके, एल्यूमिनियम का ट्राई बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस ओन्स बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, क्लियर है, कौन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, ओन्स बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ से एल्कोक्साइड बन गया CH3 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 ओपन नेगेटिव, कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। नहीं, यहाँ पर कितने मोल चाहिए आपको, 3। तो यहाँ पर देखो ये बन गया Al, और इसे एल्कोक्साइड का क्या बना दिया, अपने थ्राइस लगा दिया, प्लस हाइड्रोजन किस फॉर्म में चला जाएगा, H2 की फॉर्म में, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस वाली रिएक्शन में कौन आ गया, फिनोल, फिनोल के साथ भी सेम बात है, देखो वही बात है, यहाँ पर इसे एल्किल ग्रुप की जगह मैंने क्या लगा लिया, फेनिल ग्रुप, और फेनिल ग्रुप जैसे ही लूंगा क्या बन जाएगा, फिनोल, तो देखो टू मोल, यहाँ पर आर की जगह क्या रख दिया मैंने, एरिल रिंग को रख दिया, मीनिंग फेनिल ग्रुप को रख दिया, ये फिनोल, सोडियम वही वाली बात है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन, और यहाँ पर क्या जाएगा, ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, तो देखो ओ नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव, वहां पर क्या बोला था, एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पर क्या बोल दूंगा, सोडियम फिनोक्साइड बोल दूंगा, क्यों, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास ये आपका फिनोल है, मीनिंग बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन अटैच और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इस वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप, फिनोक्साइड बोलते हो, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो, फिनोक्साइड, ये ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर ओ नेगेटिव है तो आप इसको क्या बोलते हो, फिनोक्साइड, और क्या जुड़ गया, सोडियम, तो इसका नाम क्या जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है कि एल्कोहल और फिनोल जब भी एक्टिव मेटल मीनिंग सोडियम पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, इवोल्यूशन हो जाता है, मीनिंग लिब्रेशन हो जाता है, और साथ में अगर एल्कोहल लिया तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा, और अगर आपने फिनोल लिया तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो एल्कोक्साइड है, मीनिंग क्या जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और सोडियम पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए,
In addition of this, phenol react with the aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide. ये reaction भी important है. अब ये reaction तो easily solve हो जाएगी. देखो आपको अच्छे से पता है Na पर क्या होता है पॉजिटिव, OH पर क्या होता है नेगेटिव होता है, और आपको अच्छे से पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये किसका वर्क करेगा, बेस, और बेस को तो एक ही काम आता है एब्स्ट्रेक्शन ऑफ प्रोटोन. नहीं यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कौन करेगा, ओंस नेगेटिव, किसको गेन कर लेगा इस वाले प्रोटोन को, इस वाले प्रोटोन को गेन करेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन पर. तो देखो ओंस नेगेटिव इधर से प्रोटोन मीनिंग एच प्लस को ले गया, क्या चला गया एच टू, ये देखिए क्या बन गया एच टू. ये बेंजीन रिंग एज इट ऑक्सीजन, देखो ये वाला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में कहां पर शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पर, कौन सा चार्ज आया नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. और जो नेगेटिव के पास कौन इंट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर अट्रैक्शन किसने कर लिया सोडियम ने, क्या बन गया वापिस से देखो ओ नेगेटिव बेंजीन के ऊपर जब भी होता है इसको तो बोलते हैं फिनोक्साइड, वापिस से सोडियम तो क्या बन गया सोडियम है फिनोक्साइड. मीनिंग क्या ध्यान देना, जब भी आपका फिनोल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी किसका फॉर्मेशन होता है आपके सोडियम में फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है. नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, द अबव रिएक्शन शोज दैट द अल्कोहल एंड फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. आपको अच्छे से पता चल गया कि कोई भी आपका कंपाउंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो प्रोटोन को क्या करता है आपके रिमूवल करता है, मीनिंग प्रोटोन का डोनेशन करता है, उसको क्या बोलते हो एसिड बोलते हो. तो यहाँ पर आप यही तो देख रहे हो अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया आपने, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म के अंदर रिमूव होगा, हाइड्रोजन जा रहा है आपके एच प्लस की फॉर्म में मीनिंग प्रोटोन, और जब भी प्रोटोन आपको फाइंड आउट हो गया मीनिंग प्रोटोन ऑप्टेन हो गया मीनिंग वो वाला जो कंपाउंड उसका नेचर कैसा होता है एसिडिक नेचर का होता है, मीनिंग एल्कोहल और फिनोल दोनों ही कैसे नेचर के एसिडिक. और कंपटीशन एग्जाम में ये जरूर पूछता है कि एसिड में भी कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड, मीनिंग एल्कोहल और फिनोल है कौन से एसिड होते हैं आपके ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं, क्लियर है. दैट मीन्स दे कैन डोनेट ए प्रोटोन टू स्ट्रॉन्गर बेस, जब भी इनके पास स्ट्रॉन्ग बेस आएगा उसको क्या प्रोवाइड करवा देंगे प्रोटोन प्रोवाइड करवा देंगे. अब देखते हैं रिएक्शन बी नेगेटिव, बी नेगेटिव का मीनिंग यहाँ पर कोई भी क्या हो सकता है बेस हो सकता है. एल्कोहल का मीनिंग क्या हो गया आर ओ एच हो गया, क्लियर है. तो आपको पता है एल्कोहल वो किसकी तरह बिहेव करेगा एसिड, क्या आ जाएगा जब बेस, बेस को एक ही काम आता है प्रोटोन लेगा, तो ये देखो ये इसने अटैक किया प्रोटोन पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव, क्लियर है. और यहाँ पर क्या बन जाएगा बी एच, यही तो बना है देखो बी एच, और यहाँ पर बन गया ओ आर ए नेगेटिव. अब एक बात आपको ध्यान देनी, देखो ये तो क्या है बी नेगेटिव बेस, एल्कोहल क्या है एसिड. अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट में कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का मीनिंग क्या है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में केवल डिफरेंस होता है वन हाइड्रोजन का, क्लियर है रिपीट कर रहा हूँ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में किसका डिफरेंस होता है ओनली वन हाइड्रोजन का. तो यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये क्या है आपका एसिड आर ओ एच, क्लियर है. और यहाँ पर क्या बना है आर ओ, मीनिंग इसके पास देखो क्या है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है. और मैंने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस में, तो अगर आर ओ एच मीनिंग इसको आपने क्या बोला है एसिड, क्लियर है. तो एसिड ऑलवेज किस में जाएगा कॉन्जुगेट बेस में, और कॉन्जुगेट बेस का मीनिंग क्या होगा कॉन्जुगेट बेस में ऑलवेज एसिड के कॉम्पेरिजन में वन हाइड्रोजन क्या होता है लेस होता है, मीनिंग एक हाइड्रोजन क्या होता है कम होता है. तो यहां पर देखो ये एसिड है और ये क्या बन गया इसका बेस, लेकिन बेस कौन सा बोलूंगा कॉन्जुगेट बेस, नहीं इस वाले एल्कोहल का जो एसिड है इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा ओ आर नेगेटिव. अब ध्यान से सुनना बी नेगेटिव क्या है बेस है, क्लियर है. बेस किस में कन्वर्ट होगा कॉन्जुगेट एसिड में, और कॉन्जुगेट एसिड और बेस में डिफरेंस किसका होता है वन हाइड्रोजन में, बेस में कम होता है और एसिड में क्या होता है ग्रेटर होता है, मीनिंग जो बी एच है वो क्या होगा इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड. तो यही तो हो रहा है देखो इस वाले बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये रहा कौन सा बी एच, क्लियर है. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा तो आपके कॉन्जुगेट एसिड है कौन सा आपके कॉन्जुगेट बेस है. ऑलवेज वन थिंग कीप इट इन माइंड the major difference in between the acid and conjugate base and base and conjugate acid is only one hydrogen, meaning एक ही hydrogen का क्या होता है दोनों में difference होता है. acid वो किस में convert होगा conjugate base में, और जो base होता है वो किस में convert हो जाएगा आपके conjugate acid में convert हो जाएगा, clear है. यहाँ तक next वाली बात आती है आपके एसिडिटी ऑफ द एल्कोहल. अब देखो इसको मैं इजिली आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि एसिडिटी ऑफ एल्कोहल इसका मीनिंग क्या है.
तो आपको देखो एल्कोहल की बात करते हो तो एल्कोहल के स्ट्रक्चर में अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया CH3 CH2OH, ये वाला एल्कोहल कौन सा आपके 1 डिग्री या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, प्राइमरी एल्कोहल बोल सकता हूँ, क्लियर है। सेकेंड वाले की बात करूँ तो मैं 2 डिग्री बना देता हूँ, जैसे CH3 ये लीजिए CH3 CH और यहाँ पर आ गया आपके OH, क्लियर है। ये वाला जो मैंने एल्कोहल मेंशन किया ये वाला कौन सा है, 2 डिग्री है। इसी टाइप से एक 3 डिग्री एल्कोहल मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए CH3 कार्बन CH3 CH3 देन OH, ये वाला एल्कोहल कौन सा हो गया, 3 डिग्री। लेकिन मैंने 3 टाइप के एल्कोहल मेंशन कर दिए, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है। अब आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है इनकी एसिडिटी से डील करना है, मीनिंग कौन सा एल्कोहल है उसकी एसिडिटी नेचर है वो ग्रेटर होगा। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल कंसेप्ट बताता हूँ, क्या यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो आइए उस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो एल्कोहल है, जैसे मैं सिंपल वे में मेंशन कर रहा हूँ ROH, एसिडिक नेचर का मीनिंग क्या होगा, कितना इजीली ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा उतना ही क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और आपको अच्छे से पता है, अब ध्यान से सुनते जाना एक एक बार, कि आपको अच्छे से पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, नहीं ये आर जो भी ग्रुप होगा, एल्काइल जो ग्रुप होता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन, इसका इफेक्ट होता है डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मीनिंग प्लस से आई इफेक्ट, मीनिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, क्लियर है। अब एक बार ध्यान से सुना, अभी मैंने आपको नेचर बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पर तो अगर प्रोटॉन की फॉर्म में जाना है तो कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आना चाहिए आपके, नेगेटिव, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर थीम क्या बनेगी इस एल्कोहल के अंदर, अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई, प्लस आई का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, मीनिंग जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज से उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इंट्रैक्शन करेगा, मीनिंग इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में इजीली रिमूव नहीं होने देगा, मीनिंग आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन पर कम से कम मीनिंग लेसर किसको डेवलप करना है, नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज लेसर कब यहाँ पर डेवलप होगा, उसी एक ही कंडीशन में डेवलप होगा जब एल्काइल ग्रुप का नंबर क्या होगा, मिनिमम होगा। अब ध्यान से सुनना, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर देखो ये वाला एल्किल ग्रुप कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट हो गया, क्लियर है। प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, क्लियर है। यहां पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन। यहां पर देखिए, अगर यहां पर बात करते 2 डिग्री एल्कोहल, मीनिंग यहां पर देखो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना उसके ऊपर अपन को इफेक्ट अप्लाई करना है, तो ये देखो इस वाले कार्बन से हाइड्रोक्सिल अटैच है, इस वाले मिथाइल ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट, और इस वाले मिथाइल ग्रुप का भी कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई पे, दोनों मिथाइल है, मीनिंग एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस है, और इधर कितने का हुआ है, केवल एक ही मिथाइल है जिसका कौन सा हुआ है, प्लस आई पे। थर्ड वाले में देखो ये वाला मिथाइल वापिस से कौन सा आ गया, एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस आई पे। ये मिथाइल ग्रुप इसका भी कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, मीनिंग प्लस आई पे, और इस वाले मिथाइल का भी कौन सा इफेक्ट हो जाएगा आपके, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने प्लस आई इफेक्ट है वो वर्क कर रही, 3+ I इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। 2 डिग्री में कितने आ गए, 2 मिथाइल का प्लस आई ग्रुप लग रहा है। 1 डिग्री में कितना आ गया, केवल 1 मिथाइल का आपके प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि आप, जैसे मैं यहाँ पर मूव होने की बात करता हूँ, अप टू डाउन अगर मूवमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मिथाइल है उसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे डाउन साइड जा रहा हूँ तो वहां पर देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, अब आप खुद ही बताइए ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिग्री डोनेट कर रहा है, तो मीनिंग यहां पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मीनिंग ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उस वाली कंडीशन में जो आपके ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी पोलरिटी, बॉन्ड है इसकी बात करूंगा मैं पोलरिटी, मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो पोलराइज हो ही नहीं पाएगा फिर, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव ही नहीं होने देगा। पोलरिटी का मीनिंग क्या, जितना इजीली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा उतनी क्या होती है, इसकी पोलरिटी ग्रेटर होगी। लेकिन इस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा,
तो हाइड्रोजन को एच प्लस की फॉर्म में रिमूव नहीं होने देगा, मीनिंग पॉलिरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ओ एच बॉन्ड की पॉलिरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और आपको अच्छे से पता है कि जब ओ एच बॉन्ड की पॉलिरिटी डिक्रीज होगी तो जो प्रोटोन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा, प्रोटोन नॉट इजीली रिमूव, नॉट इजीली रिमूव, मीनिंग जो प्रोटोन है वो इजीली रिमूव नहीं होगा। और जो प्रोटोन इजीली रिमूव नहीं होगा तो अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया, जब भी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी इंक्रीजेड, देन ओ एच बॉन्ड पॉलिडिटी विल बी डिक्रीज, सो प्रोटोन नॉट इजीली रिमूव, सो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीज। तो यहां पर अगर इसका कॉन्क्लूजन देखू तो आपको डायरेक्ट पता चल गया क्या, कि जो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की बात करता हूं तो सबसे मैक्सिमम एसिडिक नेचर का कौन होगा, जिसके पास एल्किल ग्रुप का नंबर क्या है, मिनिमम। नहीं, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल है वो मोस्ट एसिडिक होता है, देन 2 डिग्री एल्कोहल, और लिस्ट एसिडिक कौन सा होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये वाली बात आपको कीप इट इन माइंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपकी एसिडिटी ऑफ एल्कोहल से। अब आइए देख लेते हैं एक बार थ्योरेटिकल में क्या मेंशन कर रखा है, ये लीजिए आपके थ्योरेटिकल में ये रहा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्कोहल इज ड्यू टू, मीनिंग आपको ये बता रहा है कि जो एसिडिक नेचर आता है एल्कोहल का उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ ऑरेंज बॉन्ड, मैंने पहले क्लियर कर दिया था ऑरेंज बॉन्ड का जो पोलर होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोल दीजिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से, मिथाइल है, इथाइल, मीनिंग कोई भी एल्काइल ग्रुप आ सकता है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, मीनिंग ऑक्सीजन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ ऑरेंज बॉन्ड, और मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जैसे जैसे एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन एटम देन द पोलरिटी ऑफ ऑरेंज बॉन्ड विल बी डिक्रीज, दिस डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ, और इससे क्या हो जाएगा, जो प्रोटोन इजिली रिमूव नहीं होगा, प्रोटोन इजिली रिमूव नहीं होगा तो मीनिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर दिस रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यहाँ पर देखो आपकी एक ही एल्किल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री एल्कोहल में कितने एल्काइल ग्रुप आ गए जिनका प्लस आई इफेक्ट है, 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, और 3 डिग्री एल्किल में, 3 डिग्री एल्कोहल में आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप है जिनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट इसमें हो रहा है 3 डिग्री में, तो यहाँ पर मैक्सिमम आपके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, ऑरेंज बॉन्ड की पॉलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपके एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये आ गया कि अगर आप बात करते हो एसिडिटी की तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के अंदर ऑलवेज कीप इट इन माइंड, 1 डिग्री एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री एल्कोहल देन 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना एसिडिक नेचर या फिर एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, क्लियर है। आज का लेक्चर ये मिस करते, थैंक यू। ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ ऑरेंज बॉन्ड, मीनिंग जो भी एल्कोहल, और आपको पता है एल्कोहल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, एल्कोहल का मीनिंग ये होता है आर ओ एच, और इस एल्कोहल में जो आपके ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, मीनिंग ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, देन ऑक्सीजन पजेज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पजेज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जैसे आपके इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है किस ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन पर कौन सा जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कौन सा जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यही बोला है कि जो भी एसिडिक नेचर होता है एल्कोहल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पोलर नेचर ऑफ ओएच बॉन्ड। तो एक तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर नेक्स्ट देखिए एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दैट इज मिथाइल इथाइल इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑक्सीजन, जो भी आपके यहाँ पर देखिए जो भी एल्किल ग्रुप है आर है, आर को कौन सा ग्रुप बोलते हो आप, एल्काइल ग्रुप, आर को कौन सा ग्रुप बोलते हो, एल्काइल ग्रुप, और इस एल्काइल ग्रुप है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्लियर है। ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ ओएच बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीजन पर क्या इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ओएच बॉन्ड है इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दिस डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, और जैसे ओएच बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर दिस रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग मैनर, मीनिंग ये वाला कौन सा हो गया आपके प्राइमरी एल्कोहल होगी,
ये वाला कौन सा हो गया सेकेंडरी मीनिंग 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, और ये हो गया टर्शरी मीनिंग 3 डिग्री हो गया। देखो टर्शरी के अंदर कितने एल्काइल ग्रुप है, 1, 2, 3, और सेकेंडरी के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप, और प्राइमरी के अंदर ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। और अपन इजीली जानते हैं एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई पे। तो मैक्सिमम प्लस आई कहाँ पर लगेगा, टर्शरी के अंदर। मैक्सिमम जो आपके ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर इंक्रीज होगी, टर्शरी में। और ओएच बॉन्ड की पोलरिटी मैक्सिमम कहाँ डिक्रीज होगी, टर्शरी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है, प्राइमरी एल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन टर्शरी एल्कोहल। क्लियर है। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखिए, अब ये वाला स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट बनता है। देखो यहाँ पर अपन को कंपैरिजन करवा रहा है इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्कोहल। एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर, मीनिंग क्या बोल रहा है, जो भी आपके एल्कोहल है अगर अपन उनका कंपैरिजन करें वाटर के साथ, तो क्या होता है, जो एल्कोहल होते हैं उनका जो बेसिक नेचर क्या होता है, वीक एसिड होती है। क्लियर है। जो भी एल्कोहल है उनका जो एसिडिक नेचर की बात करिए, तो एल्कोहल आर वीकर एसिड्स देन वाटर। वाटर और एल्कोहल के अंदर अगर आपको एसिडिक नेचर किसका ग्रेटर बोलना है, तो ऑलवेज केपीटी नोमाइन, वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब इसको अपन कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो देखो बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड। और इसको अपन अगर जस्टिफाई करना है अपन को, तो क्या करना है अपन को, वाटर की रिएक्शन किसके साथ मेंशन कर सकते हैं अपन, एल्कोक्साइड के साथ, मैंने एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन के साथ देखना है किस टाइप की रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आइए एक बार रिएक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे बात करते हैं अपन वाटर और एल्कोक्साइड के मिड में रिएक्शन। अब आपको अच्छे से पता, देखो वाटर का मीनिंग क्या होता है, वाटर का मीनिंग हो गया ये H O H, ये हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। प्लस रिएक्शन के साथ है एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड का मीनिंग क्या होता है, OR नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया एल्कोक्साइड मीनिंग क्या हो गया, OR नेगेटिव। अब जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी, आपको पता है कि यहाँ पर पहले पता चल गया एल्कोक्साइड ये क्या होता है, आपका बेस होता है। क्लियर है। और जो आपको अभी आपने स्टेटमेंट बोला कि वाटर है इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके, वाटर है वो क्या हो गया आपका, एसिड हो गया। वाटर है वो क्या हो गया, एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पर बेस और बेस को तो एक ही काम आता है, एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन, मीनिंग क्या करेगा, ये वाला एल्कोक्साइड है इस वाले प्रोटोन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर। क्या क्या चेंज हुआ है देखो यहाँ पर, H सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, मीनिंग ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो RO नेगेटिव था, किसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया प्रोटोन मीनिंग H प्लस को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, RO H मीनिंग एल्कोहल बन गया। अब देखो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी अंडरस्टैंड करवाया था, दोनों में डिफरेंस किसका होता है, ओनली 1 हाइड्रोजन का। ये एसिड है तो एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर देखो H2O मीनिंग 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मीनिंग ये क्या हो गया इस एसिड का, कॉन्जुगेट बेस। तो मैं इसका बोल सकता हूँ कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है। इसी टाइप से देखो OR नेगेटिव, ये क्या था, बेस, और बेस किसका फॉर्मेशन करेगा, कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड और बेस में एक ही डिफरेंस होता है हाइड्रोजन का, यहाँ पर OR नेगेटिव है, यहाँ पर क्या ROH मीनिंग एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको एसिडिक नेचर का पता रखना है, ये लाइन भी मेंशन कर देता हूं मैं, एसिडिक नेचर। अगर एसिडिक नेचर की बात करेंगे अपन इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्कोहल, तो कीप इट इन माइंड, वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। क्लियर है। एल्कोहल के कंपैरिजन में जो वाटर है वो मोर एसिडिक, और ये आप जस्टिफाई करने के लिए क्या है, रिएक्शन है इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्कोक्साइड आयन। ये बेस है, RO नेगेटिव, आप इसको क्या बोल सकते हो, एल्कोक्साइड। ये क्या होता है आपका, एल्कोक्साइड। क्लियर है। और ये H2 है, मीनिंग जो एसिड की फॉर्म में यहाँ पर वर्क करेगा। ये क्या है, वाटर, मीनिंग द रिएक्शन इन बिटवीन द वाटर एंड एल्कोक्साइड जस्टिफाई द एसिडिक नेचर ऑफ वाटर इज मोर देन एल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, अब देखिए ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई आपकी। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अब क्या बोल रहा है, दिस रिएक्शन शोज दैट वाटर इज ए बेटर प्रोटोन डोनर। आपको अच्छे से पता, जो एसिड होता है वो किसका डोनेशन करता है, प्रोटोन का। तो यही थिंग है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि वाटर, मीनिंग जो वाटर है उसका एसिडिक नेचर ग्रेटर देन होता है एल्कोहल के कॉम्पेरिजन में, तो वाटर क्या होगा, बेटर प्रोटोन डोनर, मीनिंग इजिली प्रोटोन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो वाटर इज ए बेटर प्रोटोन डोनर, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड।
than alcohol. Also in the above reaction we note that an alkoxide, अब important statement है, इसको अच्छे से understand करना, alkoxide ion is a better proton acceptor. यहाँ पर reaction से confirm हो रहा है कि जो alkoxide meaning base, और base क्या होता है, good या फिर stronger क्या होता है, आपके proton acceptor होता है, water यहाँ पर क्या है, stronger proton donor है, clear है, better proton acceptor than hydroxide ion. Which suggest that alkoxide are stronger bases. Meaning क्या जो alkoxide होंगे वो तो क्या होंगे, strong आपके base होंगे, clear है. Sodium ethoxide is a stronger base than sodium hydroxide. और इसने यहाँ तक mention कर दिया कि यहाँ पर जो आपके sodium hydroxide. Meaning क्या बोल रहा है, एक तो sodium ethoxide का meaning क्या हो गया, C2H5O negative Na positive. ये तो हो गया आपका sodium ethoxide. इसका जो बेसिक नेचर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग एन ए ओ एच, इसके कॉम्पेरिजन में क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, मीनिंग एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये अपन ने बात की यहाँ पर कौन सी नेचर की, बेसिक नेचर की, कौन सी नेचर को डिसाइड किया अपन ने, बेसिक नेचर को डिसाइड कर दिया, क्लियर है. तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका एल्कोक्साइड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस होता है किसके कॉम्पेरिजन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्पेरिजन में. नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस. ये इंपॉर्टेंट है, मीनिंग जो अल्कोहल है वो कौन से बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. देखो जो एसिड बेस है इसकी बहुत सारी पोस्टुलेट्स है, बहुत सारी इसकी जो प्रिंसिपल और थ्योरीज है जिनके अंदर आप आरिनियस पढ़ते हो, ब्रोंस्टेड पढ़ते हो, क्लियर है. तो आपको ये पता रखना है कि जो अल्कोहल है वो कौन सा बेस होता है, ब्रोंस्टेड बेस होता है, क्लियर है. एज वेल इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन. और इसका लॉजिक क्या बोल रहा है कि जो एल्कोहल, आपको चीज बताया एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आर ओ एच, और एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और आपको अच्छे से पता है जो भी ब्रोंस्टेड बेस होता है उसके पास क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन. तो यही है इसने बोला, एल्कोहल एज ए ब्रोंस्टेड बेस, एज वेल इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम विच मेक्स देम प्रोटोन एक्सेप्टर. और जो एल्कोहल को क्या बनाते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं. एल्कोहल होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज ए ब्रोंस्टेड बेस, क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट वाला रिएक्शन का टाइप है अपने पास एस्ट्रिफिकेशन. मीनिंग रिएक्शन कौन सी है आपके पास, एस्ट्रिफिकेशन, मीनिंग एस्टर का फॉर्मेशन आपको करना है. अब एस्टर का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए किस किस से कर सकते हो आप. देखो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये लर्न करवाया था कि जब भी एल्कोहल और एसिड रिएक्शन करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम किसका फॉर्मेशन होता है, आपके एस्टर का फॉर्मेशन होता है. इसके अलावा और कौन से मेथड है, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ भी क्या बनेगा, एस्टर बनेगा. एसिड क्लोराइड के साथ भी क्या बनेगा, एस्टर बनेगा. लेकिन ये बात ध्यान देनी है आपको, जब भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी इस वाली कंडीशन में प्रेजेंस किसकी रखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रीडीन, क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए प्रीडीन. अब एक एक रिएक्शन को अपन देखते हैं यहाँ पर, फिर इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं. तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन, एस्टर बना रहे एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से. अब ध्यान से समझना, ये जैसे मैं एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले अपन एस्टर बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये तो क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड. और एल्कोहल की बात करता हूँ, एल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या होती है, आर ओ एच, ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया आर ओ एच, ये एल्कोहल हो गया, क्लियर है. और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कंप्लीट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. यहाँ पर आप एच टू ओ फोर भी लिख सकते हो, अगर एसिड है मैंने क्या प्रोवाइड करवाएगा, प्रोटोन, तो मैंने कौन सा मीडियम प्रोवाइड करवा दिया, एसिडिक मीडियम. ये रिएक्शन किस किस के बीच में, ये तो हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है आपका एल्कोहल, ये हो गया एल्कोहल. पहली रिएक्शन तो ये, सेकंड रिएक्शन में देखेंगे अपन सेम बात है, मीनिंग अब की बार जो एल्कोहल है इसकी रिएक्शन देखो, अभी आपको मेंशन करवा देता हूं मैं. पहली रिएक्शन तो ये होगी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, सेकंड वाले में क्या है, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. तो ये लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड वाले रिएक्शन को मेंशन करते हैं. तो ये लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना. तो ये देखो मैं सिंपल सा एसिटिक एनहाइड्राइड मेंशन करता हूं, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ देन सी एच थ्री, ये हो गया आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड.
और इसकी रिएक्शन किसके साथ है वापिस से भाई अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है आर ओ एच, तो ये लीजिए आर ओ एच, क्लियर है। ये क्या हो गया आपके एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन की थीम को समझना, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी जो नेक्स्ट वाली टॉपिक है उसमें भी वापिस से रिपीट होगी, इसलिए इन रिएक्शन को यहीं पर अंडरस्टैंड कर लीजिए। थर्ड जो रिएक्शन है किसकी रहेगी एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड का मीनिंग क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये क्या होता है आपका एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब रिएक्शन को एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ है वापिस से अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है आर ओ एच। ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिड क्लोराइड वाली रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन है, क्लियर है। बाकी की जो एसिडिक एनहाइड्राइड वाली रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एंड रिएक्शन नेचर इज ऑल्सो रिवर्सिबल। नहीं एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन, एल्कोहल और आपके एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है एसिडिक मीडियम में होती है, रिएक्शन का नेचर कैसा होता है रिवर्सिबल। बट द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन इट दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। अब रिएक्शन में होने क्या वाला है यही थिंग आपको समझनी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं जो एक बात बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको माइंड में रखना, उससे आपकी रिएक्शन बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगी। तो देखो पहला स्टेटमेंट तो मैं क्या बोलूंगा कि जितने भी आपके एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, मीनिंग ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड भी क्या हो गया एसिड डेरिवेटिव हो गया, एसिड क्लोराइड भी क्या हो गया एसिड डेरिवेटिव हो गया, मीनिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था जब अपने एस्टर का फॉर्मेशन किया था एसिड और अल्कोहल से, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी अल्कोहल है वो एसिड और एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का तो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला। तो ये लीजिए अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा OH बॉन्ड, क्लियर है। क्योंकि अपन जो भी कैटेगरी बढ़ रही है अल्कोहल की रिएक्शन की उसमें भी कौन सी बढ़ रही है ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो ये लीजिए मैंने तीनों जगह अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, क्लियर है। सेकेंड बात ध्यान से सुनना, जो भी आपके एसिड और एसिड डेरिवेटिव है उनका कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा कार्बोनिल और हेटेरो एटम, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ कार्बोनिल और हेटेरो एटम। तो देखो सी डबल बॉन्ड इसको तो क्या बोल दिया कार्बोनिल, ये वाला ग्रुप कौन सा है कार्बोनिल, और कौन सा एटम कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन बोला मैंने कार्बोनिल और हेटेरो एटम, हेटेरो एटम का मीनिंग देखो ये कार्बन ये क्या हो गया कार्बन, अरे आर का मीनिंग क्या होगा कोई कार्बन ही तो होगा मीनिंग ये तो क्या हो गया हेटेरो नहीं है मीनिंग ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ये कौन सा हो गया हेटेरो। तो आपको ऑलवेज कीप इट इन माइंड एंड कार्बोनिल कंपाउंड ऑलवेज विच बॉन्ड ब्रेकडाउन कार्बोनिल एंड हेटेरो एटम बॉन्ड इज ब्रेकडाउन, मीनिंग देखो ये तो कार्बोनिल वाला हो गया और ये हेटेरो एटम मीनिंग ये वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा आपके यहाँ पर एसिड, ये तो एसिड था एसिड डेरिवेटिव में देखो ये वाला कार्बोनिल ये वाला ऑक्सीजन तो इस वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर देखेंगे एसिड क्लोराइड में ये वाला तो कौन सा रहा आपके कार्बोनिल और हेटेरो एटम कौन है क्लोरिन, मीनिंग यहाँ पर कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा इस वाले बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो प्रोडक्ट बनाना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, किस किस का रिमूवल होगा इधर देखो इधर से OH और इधर से H क्या बाहर चला गया H2। अब देखो बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी R, ध्यान से समझना रिएक्शन को R सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड है नेक्स्ट, तो ये लीजिए आपकी C डबल बॉन्ड ओ क्लियर है। फिर क्या था सिंगल बॉन्ड तो ये लीजिए सिंगल बॉन्ड ये OH और ये H2 यहाँ से चला गया, कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ से रिमूव हो गया आपके वाटर मॉलिक्यूल है वो उसका क्या हो गया यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से ये कार्बन का वन बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ इस साइड से ऑक्सीजन का भी वन बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ मीनिंग किससे अटैच हो जाएगा ओ आर से और साथ में रिमूवल किसका हो गया एच टू ओ। तो देखो सी डबल ओ आर क्या बन गया एस्टर बन गया, इसलिए आप इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाली देखो ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, अब आपको पता है कार्बोनिल की कार्बन पर ऑलवेज कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, और अल्कोहल में देखो यहाँ पर कौन सा होता है ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कौन सा होता है पॉजिटिव, नहीं कार्बोनिल पर कौन सा आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन सा होता है पार्शियल नेगेटिव। तो पॉजिटिव की ओर कौन सा पोल इंट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाला, मीनिंग इस कार्बन से बॉन्ड कौन बनाएगा ओर और ओ आर और इस ऑक्सीजन से बॉन्ड कौन बना लेगा एच। तो देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ
सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड किसके साथ कनेक्ट होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव वाला कौन सा, ओ आर, तो यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट हो गया, ओ आर के साथ। और जो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ओ ये देखिए सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, फिर क्या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ देखो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला मीनिंग कौन है, टेस्ट हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो एसिड क्लोराइड के साथ, अब देखो यहाँ पर भी आपको पता है क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर आ गया पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का बॉन्ड बना दो तो देखो पहला प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा आपका, आर सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या आ गया सी डबल बॉन्ड हो। अब देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो क्या रिमूव हो गया यहाँ से, एच सी एल चला जाएगा, क्लियर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर एनसीएल, मीनिंग ये कार्बन है, देखो इस साइड से वन बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन का भी वन बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मीनिंग क्या जाएगा ओ आर, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका एनसीएल। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि जो भी आपके तीनों टाइप की रिएक्शन है इसमें फॉर्मेशन किसका हुआ आपका, एस्टर का हुआ है। और नोट करने वाली बात क्या है कि जो आपका एसिड क्लोराइड वाली रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, जो क्या होता है बेस होता है, ये ध्यान रखना है प्रीडीन है, ये क्या होता है आपकी बेस, बेस। और देखो रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है एनसीएल, जिसका नेचर क्या होता है एसिडिक होता है, तो इस एसिड को क्या कर लेगा आपके प्रेसिपिटेट कर लेगा, मीनिंग इस एसिड को क्या कर लेगा प्रेसिपिटेट करके इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो जो रिएक्शन है उसका नेचर क्या होगा इरिवर्सिबल, मीनिंग केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या करेगी मूव करेगी। जबकि ये दोनों रिएक्शन देखो अल्कोहल की रिएक्शन एसिड और एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, और रिएक्शन का मैनर क्या होता है आपके रिवर्सिबल, जब तक आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव नहीं करोगे रिएक्शन अब वो आपके फॉरवर्ड के साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती रहेगी। जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर दिया तब जाकर आपके रिएक्शन के ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चलेगी, क्लियर है। सेम बात यहाँ पर है, जब तक आप इस एसिटिक एसिड को यहाँ से रिमूव नहीं करोगे तब तक रिएक्शन का नेचर है वो आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता रहेगा। जैसे आपने कंप्लीटली एसिड को रिएक्शन से रिमूव कर दिया तो उस वाली कंडीशन में ये वाली रिएक्शन कैसी बन जाएगी, इरिवर्सिबल बन जाएगी, क्लियर है। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करनी है। अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बट आपने एस्टिफिकेशन की ये देखो, तो एस्टिफिकेशन की थ्योरी की अगर अपन बात करें तो किस टाइप से रिएक्शन हो रही है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार आइए, एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। तीनों रिएक्शन मैंने मेंशन कर दी, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। अब देखो ये सेम रिएक्शन है जो अपन पिछले प्रीवियस स्लाइड में इजिली इसको अंडरस्टैंड कर चुकी है, वही वाली रिएक्शन है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल्कोहल में जहां पर अपन आर ले रहे थे वहां पर एराइल ग्रुप भी पुट कर सकते हो। मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग ये है कि जो आपका ये एल्कोहल है, ये लीजिए यहाँ पर जो एल्कोहल में R लिखा है ना, इसकी जगह आप कौन सा ग्रुप रख सकते हो, AR, मीनिंग एराइल ग्रुप भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पर AR ग्रुप एराइल ग्रुप रखोगे तो OR की जगह क्या जाएगा, O AR आ जाएगा, यहाँ पर भी AR आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या जाएगा एराइल ग्रुप मीनिंग AR आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, क्लियर है। तो यह देखो, द रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एसिड एनहाइड्राइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है एसिटिक एनहाइड्राइड वाली, ये रहे कौन से एसिडिक मीडियम, मीनिंग N2SO4 है, मीनिंग प्रोटॉन प्रोवाइड करवाएगा, एसिडिक मीडियम में कंप्लीट हो रही है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, मीनिंग ये रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयर फॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म। जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वाटर को अपन जितना इजीली जितना जल्दी से अपन वाटर को रिमूव कर देंगे उतना ही रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट, मीनिंग जो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, ये रही एसिड क्लोराइड वाले किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की प्रेजेंस में। तो द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, और बेस कौन सा है प्रीडीन, सो एज टू न्यूट्रलाइज एनसीएल, मीनिंग ये बेस है, ये आपके क्या है एसिड और एसिड बेस आपस में क्या हो जाते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देगा एनसीएल विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, मीनिंग जो भी आपका इक्विलिब्रियम इसको किस साइड शिफ्ट कर देगा, राइट हैंड साइड क्या कर देगा शिफ्ट कर देगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप इन एल्कोहल और फिनॉल इज नॉन एज द एसिटाइलेशन, मीनिंग जो भी आप एसिटाइल ग्रुप है इसका इंट्रोडक्शन करते हो किसमें एल्कोहल में,
और फिनोल में, तो इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। और जब भी आप सैलिसिलिक एसिड का आप एसिटाइलेशन करवाते हो तो उस वाली कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एस्पिरिन। वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसिडिटी ऑफ द फिनोल। वी नो दैट इन फिनोल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड sp2 hybridized कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। जो भी आपका फिनोल होता है उसके अंदर जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो sp2 hybridized, मीनिंग ये जो आपके एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, sp2 होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर एसिडिटी ऑफ द फिनोल, और एसिडिटी ऑफ फिनोल के अंदर अपन को सबसे पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया, ओएच ग्रुप, जिस कार्बन से अटैच है एरोमेटिक रिंग के उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। क्लियर है? और सेकंड बात अपन ये भी जानते हैं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये वाला ऑर्डर भी अपन को आना चाहिए, मीनिंग जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना मैक्सिमम होगा उस वाले कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ग्रेटर देन होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी मीनिंग उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा, उतना ही ग्रेटर होगा। क्लियर है? सेकंड अपन बात करें अगर एल्कोहल की, तो एल्कोहल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्स जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होता है उस वाले कार्बन जो एटम उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। और अपन को अच्छे से जानते हैं कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, मीनिंग जब भी बात करते हो आप परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो वो सबसे मैक्सिमम कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होता है, एसपी में, देन एसपी2 में, और इसके बाद में आपके एसपी3 में। तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, फिनोल के अंदर तो एसपी2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, और एल्कोहल में एसपी3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। तो यहाँ पर जो एसिडिटी किसकी ग्रेटर देन होती है, एसपी वाले की, देन एसपी2, देन एसपी3। एल्कोहल के अंदर कौन सा आपके, एसपी3 वाला। ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। और ये आपके क्या है, फिनोल, और फिनोल के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, आपकी sp2 होती है। तो आपको अगर एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करवाई, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब भी आपको एसिडिटी के ऑर्डर से डील करवाएगा इन बिटवीन द एल्कोहल एंड फिनोल, तो आप इजीली वहां पर बोल सकते हो कि जो फिनोल होता है, मीनिंग PHOH, PH का मीनिंग क्या, फिनाइल ग्रुप है, जिसको क्या बोल सकते हैं, C6H5। फिनोल है, इसकी जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो एक रीजन तो ये आएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं अपना पॉइंट एसिडिटी ऑफ फिनोल। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अब एसिडिटी ऑफ फिनोल है, इसके अंदर अपन सबसे फर्स्ट पॉइंट से डील कर रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद द मेटल दैट इज द सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनोल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अभी ये मेंशन कर दिया मैंने, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ ए बेंजीन रिंग, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक रिंग, विच एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। और अभी मैंने बोला जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ग्रेटर देन होगी, मीनिंग कौन सा नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का वर्क करेगा। ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन फिनोल मॉलिक्यूल एज डेपेक्टेड इन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसके कारण फिनोल की क्या बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। कॉजेज द ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू बी पॉजिटिव। और जब भी अपन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसमें अपन ये देखेंगे कि जो फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है? अब इसके एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं, किस टाइप से आपको इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखो फिनोल, फिनोल का मीनिंग क्या हो गया, ये तो आपके बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या अटैच कर दिया मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या हो गया, फिनोल। अब देखो रेजोनेंस का एक सीधा सा फंडा है क्या, कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फ्लो की बात आती है तो ऑलवेज लोन पेयर से डबल बॉन्ड की ओर जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका क्या होता है, फ्लो होता है। अब आप अच्छी चीज जानते हो फिनोल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन है, इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो ये लोन पेयर, और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड। और रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, अल्टरनेट मैनर में क्या आना चाहिए, डबल सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर या डबल बॉन्ड, अदरवाइज डबल डबल बॉन्ड। क्लियर है?
तो यहाँ पर देखिए, एक तो क्या क्या लोन पेयर, फिर क्या क्या सिंगल बॉन्ड, देन क्या क्या डबल बॉन्ड, मीनिंग किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। और अभी मैंने क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो किस सोर्स से होता है, लोन पेयर से डबल बॉन्ड, मीनिंग ये देखो लोन पेयर, मीनिंग दोनों इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पर मूवमेंट करेंगे, इस वाले बॉन्ड के मिड में, कार्बन और ऑक्सीजन है बॉन्ड के मिड में। जैसे इस वाले बॉन्ड का मूवमेंट यहाँ पर हुआ तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये आपके इस वाले कार्बन एटम पर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो अब आपको देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, जो नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का ये मेथड होता है डबल हेडेड एरो। जो डबल हेडेड एरो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, और आपको इजीली पता है कि वन बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, टू इलेक्ट्रॉन, मीनिंग ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के ऊपर क्या हो रही है, मूव करे, मीनिंग ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो पहले सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। सेकंड बात देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड था, मीनिंग डबल बॉन्ड कहाँ पर मूव कर गया, इस वाले कार्बन एटम पर, मीनिंग इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, इस वाले कार्बन पर। तो देखो कार्बन पर जैसे आया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। और यहाँ पर देखो अपन देखते तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो रही है, अब थ्री वैलेंसी हो गई ऑक्सीजन की। और मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है, जब भी ऑक्सीजन की थ्री वैलेंसी हो जाती है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, आपके फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर देखो, वापिस देखो ये नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और आपको ये भी पता रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, तो देखो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो नेगेटिव से डबल बॉन्ड की ओर। तो देखो जैसे ये नेगेटिव कहाँ पर करना है आपको, बॉन्ड के मिड में, फिर बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो एक सीन भी चल सकता है क्या, इसको लर्न करने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको किस टाइप से मूवमेंट करना है, पहले तो बॉन्ड पर, एटम टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू एटम, क्लियर। इधर देखो एटम से कहाँ पर आया, बॉन्ड पर, देन बॉन्ड टू एटम, सेम फिनोमेना चलाना है। ये एफएम है, एटम से कहाँ पर आएगा, पहले बॉन्ड पर, देन बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपके नेगेटिव चार्ज का डेवलप हो गया, क्लियर है। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज ने इस वाले बॉन्ड के मिड के अंदर शिफ्ट हुआ है, मीनिंग ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यू डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। ऑक्सीजन के पास आज भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है अपन फिनोल की, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, और ये वाला डबल बॉन्ड क्या रहेगा, एजिड। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या रख दिया, एजिड। फिर देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन होगी, रेजोनेंस की। और मैंने आपको फ्लो बता दिया, देखो एटम टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू एटम। तो यहाँ पर देखो क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू डबल बॉन्ड का। और यहाँ पर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। और इस वाले कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो यही सीन क्रिएट हुआ है, इस वाले कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यू डबल बॉन्ड का। और ये वाला डबल बॉन्ड क्या है, आपकी एज इट है। और आज भी ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो रही है, थ्री वैलेंसी हो रही है। नेक्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, अब देखो लास्ट में क्या होगा, ये आपके एटम, तो एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, क्लियर है। यही सीन चलता है। तो देखो यहाँ पर जैसे इस वाले नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड कहाँ पर कन्वर्ट हो गया, आपके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट करेगा, आपके ऑक्सीजन एटम पर। तो डबल बॉन्ड आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो देखो ये वाला डबल बॉन्ड आपके किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, मीनिंग क्या हो गया, डिमोनाइज हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, आपस में कंबाइन होकर क्या हो गया, न्यूट्रल है। और ऑक्सीजन के पास वापिस जो लोन पेयर था वो वापिस ऑक्सीजन ने क्या कर लिया है, ऑप्टेन कर लिया। तो देखो रेजोनेंस का डायरेक्ट मीनिंग यही होता है कि डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है इनका क्या होता है, डी लोकलाइजेशन होता है थ्रू पाई बॉन्ड, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो भी मैंने बनाई है, ये क्या आपकी फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट आपके आरबीसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। तो ये वाली आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोल की, वो ड्रॉ करके आनी है। आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों एग्जाम में वन मार्क का यानी एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से, क्लियर है। तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड आपको मैंने बता दिया, क्या होता है एटम टू बॉन्ड, देन बॉन्ड टू एटम, यही सीक्वेंस चलाना है आपको। और ऑक्सीजन की तीन वैलेंसी हो रही है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का डेवलप हो जाएगा, क्लियर है। और पूरी रिंग में आपको क्या करवाना है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर इसने एक वर्ड बोला है, उस वाले स्टेटमेंट को भी क्लियर कर देता हूं। द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद द मेटल सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर। जो भी आपकी फिनोल की रिएक्शन होगी तो आपको अगर बोलते हैं कि राइट डाउन एनी वन रिएक्शन टू जस्टिफाई द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, तो उस वाली कंडीशन में आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए। और रिएक्शन कौन सी है वो भी मैं बता देता हूँ। अब इसने बोला कि जो भी आपके पास फिनोल है, तो ध्यान से देखो ये मैंने क्या बना दिया, फिनोल मेंशन कर दिया, ये मैंने मेंशन कर दिया फिनोल। और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ मेंशन करवा दो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड मीनिंग एन ए ओ एच। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, और बेस क्या हो तो एक ही वर्ग आता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन, मीनिंग क्या करेगा इस वाले प्रोटोन को गेन कर लेगा, और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, जो आपके फिनोल था वो अब फिनोल नहीं रहेगा, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये लीजिए आपके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, मीनिंग क्या बन गया, फिनोक्साइड बन गया। और नेगेटिव के साथ इंट्रेक्शन कौन करेगा यहाँ से, सोडियम, मीनिंग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एन ए पॉजिटिव। इसका फॉर्मेशन हो गया सोडियम फिनोक्साइड, ये प्रीवियस लेक्चर में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। साइड प्रोडक्ट देखो, ओ एच यहाँ से और एच यहाँ से क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग जो भी फिनोल की जो रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये वाली रिएक्शन भी किसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फिनोल उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर है, क्लियर है? तो ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। सेकेंड वाली बात की इसने मेटल के साथ, तो ये वाली रिएक्शन भी अपन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार वापिस से आपको मेमोराइज करवा देता हूँ। जैसे ये आ गया आपका फिनोल, क्लियर है? और इस फिनोल की रिएक्शन मेटल, मेटल कौन सा दे दिया आपको, सोडियम, तो मैंने यहाँ पर कितने मेटल ले लिए, 2 मोल ऑफ सोडियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन को किसका लिब्रेशन करना, हाइड्रोजन गैस का, क्लियर है? जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपके, 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड, ये बन जाएगा आपका ओ एन ए, ठीक है? ओ पर नेगेटिव और एन ए पर क्या देगा, पॉजिटिव। साथ में रिमूवल किसका हो जाएगा, कौन सी गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, मीनिंग यहाँ पर एच टू गैस है, उसका क्या हो जाएगा, लिब्रेशन हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन है, मीनिंग फिनोल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ, और फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करती है, फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी को। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो अगर नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट अपना किस टाइप से अपन को सोल्व करना है, तो उससे रिलेट अपन इसको रिलेट करते हैं। तो आइए नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा अपने लिए, तो यहाँ पर देखिए जो अपन ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है, फिनोल की एसिडिक नेचर, और फिनोल की कौन कौन सी रिएक्शन है मेटल के साथ, और मेटल के साथ साथ किसके साथ रिएक्शन देख लिया अपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, द रिएक्शन ऑफ फिनोल, अब यहां से आपको कंपैरिजन करवाएगा, अपन को कंपैरिजन करना है किस किस के मिड में, एल्कोहल और फिनोल के मिड में। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या बनेगा, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीनिंग एनियंस के साथ रिएक्शन है, इंडिकेट दैट फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, मीनिंग जो ये रिएक्शन होती है वही आपको क्या इंडिकेट करती है, कि जो फिनोल है उनका एसिडिक नेचर वो एल्कोहल से क्या होता है, ग्रेटर होता है, एंड वाटर और फिनोल है वो वाटर के कंपैरिजन में भी क्या है, मोर एसिडिक नेचर का है। अब अपन को क्या करना है, इसको एग्जामिन करना है, लेट अस एग्जामिन हाउ ए कंपाउंड इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज मोर एसिडिक देन द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू एन एल्काइल ग्रुप, मीनिंग अब अपन को ये एग्जामिन करना है कि जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्काइल ग्रुप से अटैच है, और सेकंड वाले कंपाउंड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच है, एरोमेटिक रिंग से, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड जो एरोमेटिक रिंग वाले से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कनेक्टेड है उसकी एसिडिक नेचर है, वह एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके कंपेरिजन में क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो इंपोर्टेंट रिएक्शन है, द आयोनाइजेशन ऑफ एन एल्कोहल एंड ए फिनोल टेक्स प्लेस एज फॉलो। अब यहाँ पर आपको बात आई है आयोनाइजेशन का, आयोनाइजेशन का मीनिंग क्या, आपको अच्छे से पता है एल्कोहल और फिनोल दोनों का नेचर कैसा होता है आपके, एसिडिक नेचर है, और एसिडिक नेचर है मीनिंग किसका डोनेशन करेंगे, प्रोटोन का, तो इजीली रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन मीनिंग रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, ये वाला तो क्या हो गया आपके एल्कोहल, और ये वाला क्या आपके फिनोल,
तो यहाँ से प्रोटोन को रिमूव कर दो, प्रोटोन का मीनिंग क्या एच प्लस के फॉर्म में जाएगा, मीनिंग इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर लीव करके जाएगा, ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज का डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यही हो रहा है यहाँ पर, आर ओ नेगेटिव और एच प्लस मीनिंग प्रोटोन का डोनेशन कर दिया, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ ना आर ओ नेगेटिव, इसको आप क्या बोलते हो एल्कोक्साइड, इसको आप क्या बोलते हो एल्कोक्साइड बोल दिया, क्लियर है। ठीक इसी टाइप से फिनोल का देखो, फिनोल की आयनाइजेशन है तो वो भी क्या होगा रिवर्सिबल होगा, और साथ में देखो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है आपको, हाइड्रोक्सिल वाला मीनिंग ओ एच बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, और प्रोटोन का डोनेशन कर दिया, फिनोल है ये ओ नेगेटिव जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं फिनोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे फिनोक्साइड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कोहल का जब भी आयोनाइजेशन करवाते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा आर ओ नेगेटिव उसको क्या बोलेंगे एल्कोक्साइड, फिनोल का आयोनाइजेशन करवाते हो तो जो आपके फेनिल और ऑक्सीजन नेगेटिव टोटल को क्या बोलेंगे अपन फिनोक्साइड, और साथ में किसका रिमूवल हो जाएगा प्रोटोन का रिमूवल, प्रोटोन का डोनेशन हो रहा है तभी तो ये आपको जस्टिफाई कर रहा है कि जो फिनोल और एल्कोहल उनका नेचर क्या होता है एसिडिक नेचर है। अब अपन को कंपेरिजन करना है कि एल्कोहल और फिनोल दोनों में से एसिडिक नेचर किसका ग्रेटर, तो आइए इसके लिए कुछ पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द फिनोल टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच, ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि फिनोल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच होता है उस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है sp2, जबकि एल्कोहल के केस में क्या होता है sp3, और मैंने क्लियर किया था कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ग्रेटर होगा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी मैक्सिमम होगी, मीनिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर sp2 के अंदर sp3 के कंपैरिजन में क्या होता है ग्रेटर होता है, मीनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन से कार्बन की ग्रेटर होगी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन, अब क्या होगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, दिस इंक्रीज द पोलिडिटी ऑफ ओएच बॉन्ड, ये मैंने पहले भी क्लियर कर चुका हूं मैं आपके साथ कि जब भी आपके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ओएच बॉन्ड की पोलिडिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, और एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी अपन ने एल्कोहल डिस्कस किया था तो वहां पर क्लियर किया था कि जैसे जैसे HBLH प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज देन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम विल बी इंक्रीज देन द पोलिडिटी ऑफ ओएच बॉन्ड विल बी डिक्रीज दिस कॉजेज द डिक्रीजेज इन एसिडिटी ऑफ ए एल्कोहल, क्लियर है। तो यहां पर देखो यही वाली बात बोल रहा है, दिस इंक्रीजेज द पोलिडिटी ऑफ ओएच बॉन्ड एंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल, और इसी फिनोल का आयोनाइजेशन क्या हो जाता है इजीली हो जाता है देन दैट ऑफ द एल्कोहल के कॉम्पेरिजन में। नाउ लेट अस एग्जामिन द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कोक्साइड एंड फिनोक्साइड आयंस, इन एल्कोक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन व्हाइल इन फिनोक्साइड आयन द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड, द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर 1-5 मैक्स। अब देखो यहां पर फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल, मीनिंग जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी फिनोक्साइड को मोर स्टेबल बना देगी एंड फेवर द आयोनाइजेशन ऑफ द फिनोल, और फिनोल का आयोनाइजेशन को क्या करेगी फेवर करेगी। ऑल्दो देयर इज ऑल्सो चार्ज डीलोकलाइजेशन इन फिनोल इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव चार्ज सेपरेशन ड्यू टू विच द फिनोल मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल देन द फिनोक्साइड आयन, मीनिंग जो फिनोक्साइड आयन है इसके कॉम्पेरिजन में जो आपका फिनोल मॉलिक्यूल वो क्या होता है लेस स्टेबल। अब इसकी RS देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनोक्साइड का मीनिंग क्या हो गया ओ नेगेटिव और साथ में किससे कनेक्ट होना चाहिए फेनिल रिंग से या फिनाइल ग्रुप से। अब मैंने आपको अभी बताया था ये नेगेटिव या नेगेटिव डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो किस ओर से होता है नेगेटिव टू डबल बॉन्ड, और वही सीन चलाना देखो एटम टू बॉन्ड देन बॉन्ड टू एटम, तो ये डबल बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पर, तो यहां पर तो क्या आ गया नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये देखो कौन सा चार्ज जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये सिंगल बॉन्ड का ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहे तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, वापिस देखो वही सीन क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ गया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड किसकी कंडीशन आ गई रेजोनेंस की, तो देखो यहां पर एटम टू बॉन्ड देन बॉन्ड टू एटम, क्लियर है देन बॉन्ड टू एटम, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया। फिर देखो नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड वापिस रेजोनेंस की कंडीशन, तो देखो एटम टू बॉन्ड देन बॉन्ड टू एटम, तो अब की बार इस वाले कार्बन पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट वाला देखो एटम टू बॉन्ड बॉन्ड टू एटम, तो वहां से वापिस किस पर चला गया ऑक्सीजन, वापिस से कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
तो ये जो आपके पास जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो किसकी है, फिनोक्साइड की है, क्लियर है। तो आपको यही बोला कि जो फिनोक्साइड और फिनोल का अगर आप कंपेरिजन करते हो तो उस वाली कंडीशन के अंदर कौन से जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोक्साइड और फिनोल में जो स्टेबिलिटी की बात करता है तो उस वाली स्टेबिलिटी के अंदर जो फिनोक्साइड आयन है, तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं मेंशन कर देता हूँ, अगर आपसे क्या किससे डील करवाई, स्टेबिलिटी से, तो आपको ये बताना चाहिए जो स्टेबिलिटी है उसके अंदर जो फिनोक्साइड आयन है, तो ये देखिए फिनोक्साइड आयन को मेंशन करते मैंने ओ नेगेटिव, जो फिनोक्साइड आयन है इज मोर स्टेबल देन फिनोल, जो फिनोल के कंपेरिजन में जो फिनोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। सेकेंड वाला पॉइंट, अगर अपन को एसिडिक नेचर का कंपेरिजन करना है एल्कोहल और फिनोल के बीच में, तो डायरेक्ट मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, एसिडिक नेचर, कौन सा नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, एसिडिक नेचर, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो आपको ये बताना चाहिए कि जो फिनोल है मीनिंग ओ एच फिनोल है वो एल्कोहल के कॉम्पेरिजन में क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। और इसका लॉजिक भी देखो, रीजन क्या है, एल्कोहल का अगर अपन आयोनाइजेशन करवाते हैं, अभी अपन देख कर आए आयोनाइजेशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, आर ओ नेगेटिव। फिनोल का अगर अपन आयोनाइजेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा आपको, फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड का मीनिंग क्या है, जब भी फिनोल का आयोनाइजेशन करवाते हो तो उस वाली कंडीशन में क्या मिलता है आपको, फिनोक्साइड, और फिनोक्साइड की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, फिनोक्साइड है ये लीजिए मैंने बना दिया फिनोक्साइड, क्या होगा ओ नेगेटिव, ये हो गया आपका फिनोक्साइड। अब दोनों का अपन को कंपैरिजन करना है एसिडिक नेचर का, तो देखो किस टाइप से अपन करेंगे, सबसे पहले तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, और इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रेटर, मीनिंग sp2, यहाँ पर sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर कहाँ पर है, इस वाले कार्बन की, तो एसिडिक नेचर भी किसका ग्रेटर होगा, फिनोल का। पहली बात तो ये क्लियर होगी। सेकंड बात देखो जो इम्पोर्टेंट है, सेकंड में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो देखो क्या रेजोनेंस की कंडीशन है क्या नहीं है, क्योंकि एल्कोक्साइड जो आयन है उसके अंदर जो ये चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज, वो किस पर लोकलाइज है, ऑक्सीजन पर, मीनिंग डी लोकलाइज हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है एल्कोहल में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्कोक्साइड आयन है उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, मीनिंग नो रेजोनेंस, किसी भी टाइप का रेजोनेंस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिनोक्साइड की बात करते हैं तो देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मीनिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेजोनेंस, मीनिंग यहाँ पर फिनोक्साइड आयन है उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, रेजोनेंस प्रेजेंट है। और जब भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका रेजोनेंस प्रेजेंट है उस वाली कंडीशन में क्या होगा, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, मीनिंग चार्ज का क्या होगा, डी लोकलाइजेशन होगा। और चार्ज का जब भी डी लोकलाइजेशन इंक्रीज होगा, मीनिंग स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये लीजिए यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दो रीजन ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर ये कॉन्क्लूजन आ गया, जो एसिडिक नेचर है वो किसका ग्रेटर देना होता है, फिनोल का। रीजन पता चल गया, पहला तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा क्या रहेगा, लोकलाइज, मीनिंग जब डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा अल्टरनेट मैनर में सिंगल बॉन्ड के बाद में, तो रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो चार्ज का डी लोकलाइजेशन नहीं होगा। बट इन फिनोल द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज नॉट लोकलाइज, इट इज डी लोकलाइज थ्रू बेंजीन रिंग, क्लियर है। सो एज वेल एज डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इंक्रीजेस, देन द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड आयन विल बी इंक्रीज, इट मेक्स द फिनोक्साइड, इट मेक्स द फिनोल मोर एसिडिक नेचर देन एल्कोहल, क्लियर है। तो आज का लेक्चर को यही पर फिनिश करते, थैंक यू। वेलकम डियर फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, किस टाइप से जो आपके फिनोल, अगर आप इस पर किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूट ग्रुप आप अटैच करते हो तो फिनोल की जो एसिडिक नेचर पर किस टाइप से अफेक्ट पड़ेगा, मीनिंग अगर उसकी फिनोल है नॉर्मल फिनोल से उसकी एसिडिक नेचर हाई होगा या लोअर होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आइए अपन डिस्कस करते हैं फिनोल के बारे में। अब यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट है, फिनोल के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इन सब्स्टिट्यूट ग्रुप के जो किस टाइप से अफेक्ट करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को, इसके लिए आपको सबसे पहले फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ एक बार, तो ये देखो फिनोल का मीनिंग क्या होता है, फिनोल का मीनिंग है जो भी आपका एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी को क्या बोलते हो, फिनोल बोलते हो। और आपको अच्छे से पता ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
टू लोन पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहां से अपन यही देखेंगे कि किस टाइप से फिनोल की जो एसिडिक नेचर उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से अपन इजीली इलिसुडेशन कर सकते हैं कि कब तो एसिडिक नेचर ग्रेटर होगा, कब एसिडिक नेचर क्या होगा, लोअर होगा। तो इसके लिए देखो अपन को क्या चाहिए कि फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए देखो मैं पहले एक बार फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनको ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे किस टाइप से आपका आंसर आएगा कि कब तो आपको फिनोल की जो एसिडिक नेचर है इंक्रीज करनी है, कब आपको डिक्रीज करनी है। टोटली डिपेंड किस पर करेगा, टोटली डिपेंड करेगा आपकी जो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है उसके नेचर पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अब देखो यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड करना है एक एक पॉइंट को। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है जो फिनोल है उसके ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये होगा कि जो ऑक्सीजन वाला लोन पेयर है वो मूव करेगा इस डबल बॉन्ड पर और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस वाले कार्बन एटम पर। मीनिंग यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया। ये डबल बॉन्ड क्या रहेंगे आपके, एजिट रहेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, एक तो लोन पेयर है और साथ में थ्री बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। जब भी ऑक्सीजन थ्री बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली स्ट्रक्चर तो ये बनी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, डबल हेडेड एरो। तो मैंने क्या बना दिया, डबल हेडेड एरो। सेकेंड वाली बात देखिए, वापिस से नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसकी कंडीशन हो गई आपके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो यहां पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां पर मूव करेगा, इस वाले डबल सिंगल बॉन्ड पर मूव करेगा। तो ये सिंगल तो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। और जैसे ही यहां पर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा इस वाले एटम पर। मीनिंग अब की बार नेगेटिव चार्ज कौन से कार्बन पर आ गया, इस वाले कार्बन पर आ गया। ये वाला डबल बॉन्ड क्या रहेगा, एजिट रहेगा। और यहां पर कोई चेंजेस नहीं है, मीनिंग नो चेंजेस। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और साथ में हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मीनिंग पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक क्या है इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट वाली स्टेप में देखो, वापिस नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वापिस किसकी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की। तो ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट करेगा, इस वाले बॉन्ड पर, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कहां पर हो जाएगा, इस वाले एटम पर। तो अब की बार देखो नेगेटिव चार्ज तो कहां पर आ गया, यहां पर डेवलप हो गया। ये सिंगल बॉन्ड था, जैसे नेगेटिव चार्ज यहां पर डीलोकलाइज किया तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, आगे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये डबल बॉन्ड एजिट रहेगा, तो मैंने इस वाले डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, एजिट रख दिया। बाकी ये भी देखो आपके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो गए इलेक्ट्रॉन है। अभी भी देखो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन। और जब भी रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो मैंने क्लियर करा रखा आपको किस टाइप से मूव करना है इलेक्ट्रॉन को। ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया इस वाले बॉन्ड पर, ये डबल बॉन्ड वापिस शिफ्ट हो गया आपके ऑक्सीजन पर। मीनिंग रेजोनेंस में होता है क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड। जहां पर इलेक्ट्रॉन था वापिस से देखो डीलोकलाइज होकर, मीनिंग घूमकर लास्ट में उसी पर वापिस इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका क्या हो गया, डिमिनाइज हो गया। और वापिस से ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर आ गए, टू लोन पेयर आ गए। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ये बॉन्ड यहां पर मूव किया है, मीनिंग यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू डबल बॉन्ड का। और ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या रहेंगे, एजिट रहेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो फिनोल की आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया आपने, फाइव। मीनिंग ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बोल सकता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फोर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फाइव, क्लियर है। अब आपको डील किससे करना है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, नहीं एसिडिक नेचर है फिनोल का वो किस टाइप से अफेक्ट करता है जब आप उस पर किसका अटैचमेंट करोगे, सब्सटीट्यूएंट ग्रुप का। तो इसके लिए आपको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो भी आपका फिनोल है और इस फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया फिनोल, और फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS का मीनिंग क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, तो आपको इजीली पता चल गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब आप सीन करोगे, ये रही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कौन सा चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। देखो नेगेटिव कभी इस कार्बन पर, कभी पेरा वाले पर, कभी वापिस से ऑर्थो वाले पर। नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव चार्ज है उसका क्या हो रहा है,
delocalization, meaning delocalization of negative charge takes place in the resonating structure of a phenol. Clear है? और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज तो हो रहा है, लेकिन कौन कौन सी पोजीशन पर हो रहा है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, या तो आएगा आपकी ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो का मीनिंग क्या हो गया, वन टू, तो देखो ये वन पोजीशन और ये वाली टू, तो ये देखो आपके वन टू पर नेगेटिव आया, वन टू, क्लियर है? और यहां पर देखो कौन सी पोजीशन बन रही है, फिनोल यहां पर कनेक्ट है, वन टू थ्री फोर, मीनिंग एक दो वन टू पर बहुत नेगेटिव चार्ज, मीनिंग सेकंड वाले पर, और एक बार कहां पर आ रहा है, फोर वाले पर, और इनका रेस्पेक्ट देखेंगे, वन फोर को कौन सा बोलते हैं, पेरा, और वन टू को कौन सा बोलते हैं, ऑर्थो, मीनिंग यहां पर ऑर्थो पर आ रहा है एंड पेरा पोजिशन, मीनिंग दोनों पोजिशन है आपके, चाहे से ऑर्थो हो चाहे से पेरा, मीनिंग वन टू एंड वन फोर पर कौन सा चार्ज आ रहा है आपके, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब आपको क्या करना है, एसिडिक नेचर से डील करना है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, एसिडिक नेचर से डील करना है, और एसिडिक नेचर कब इंक्रीज होगा, जब फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आपको इजीली पता है कि जो भी आपका नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है, तो नेगेटिव चार्ज को आपको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, मीनिंग नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, स्टेबल। और आपको अच्छे से पता, आपको 11th क्लास में मैंने इजीली पढ़ा रखा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके इंडक्टिव इफेक्ट होती है, क्लियर है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर एस्टेब्लाइज कर रहा है, तो उस वाले कंडीशन में अपन को फिनोल को स्टेबलाइज करना है, तो यहां पर कौन से ग्रुप लगाने होंगे अपन को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, मीनिंग जो फिनोल की जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पर कौन से ग्रुप अटैच करने होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, मीनिंग माइनस आई वाले और माइनस आर जिनका इफेक्ट होता है, अगर वो वाले ग्रुप आप और तो और पेरा पोजीशन पर अटैच करते हो तो फिनोल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप कौन सी पोजीशन पर अटैच कर दो, और तो एंड पेरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का अगर आप अटैचमेंट करते हो और तो एंड पेरा पोजीशन पर, तो उस वाली कंडीशन में जो फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, फिनोल है इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कब, जब और तो और पेरा पर कौन से ग्रुप अटैच कर दोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। अगर मान लीजिए आपने, अब देखो यहाँ पर एक शॉर्ट पॉइंट बन सकता है, क्या बनेगा वो वाला शॉर्ट पॉइंट, तो देखो यहाँ पर अगर आपको फिनोल की एसिडिटी की बात करनी है, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आपके एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की एसिडिटी है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। जब भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप अटैच होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, तब तो क्या हो जाएगा, फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, सेम स्टेटमेंट, मीनिंग एसिडिटी ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल, तो एसिडिटी ऑफ फिनोल वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मीनिंग जब भी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, उस वाली कंडीशन में फिनोल की एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। अगर मान लीजिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप आ गए, तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी फिनोल की जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी से रिलेटेड अब दोनों को अपन कंपेयर करेंगे, क्या सीन है फिनोल के बारे में, तो देखो एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, प्रॉब्लम लेता हूं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल मेंशन कर दी, एक तो आपको मेंशन है फिनोल, क्लियर, एक आपको एग्जांपल मेंशन है फिनोल, और फिनोल पर क्या मैंने अटैच कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ये लीजिए मैंने फिनोल पर अटैच कर दिया नाइट्रो ग्रुप, मीनिंग NO2 ग्रुप को अटैच कर दिया, क्लियर। थर्ड वाले की बात करता हूं, तो ये देखो थर्ड वाले एग्जांपल में भी क्या है, फिनोल है, मीनिंग ये रहा आपका फिनोल, और फिनोल से मैंने ऑर्थो पोजीशन पर अटैच कर दिया CH3 ग्रुप, और आपको इनको स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बोल दिया, इस वाले को स्ट्रक्चर नंबर सेकंड बोल दिया, और इस वाले को स्ट्रक्चर नंबर थर्ड बोल दिया, क्लियर है। और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल फॉर फॉलोइंग थ्री स्ट्रक्चर, तो आपको एसिडिटी ऑफ
फिनोल है इसके ऑर्डर से डील करना है, मीनिंग क्या ऑर्डर आएगा। अब देखो मैंने ये दो पॉइंट लिखे, इसी से आपका इजीली सोल्व हो जाएगा अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो देखो एसिडिटी ऑफ फिनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का मीनिंग कौन से ग्रुप होने चाहिए, माइनस आई और माइनस आर वाले। और माइनस आई और माइनस आर वाले कौन कौन से ग्रुप होते हैं, जनरली जो आपके एग्जाम्पल में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, नाइट्रो ग्रुप का माइनस आई आर होता है, साइनाइड ग्रुप का होता है, सी एन ओ ग्रुप का होता है, क्लियर है। नहीं, ये जनरली आपके ऐसे ग्रुप है जिनका माइनस आई अदरवाइज माइनस आर होता है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, तो आपको ये ध्यान रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एल्काइल ग्रुप है, कौन से ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई वाला होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मीनिंग ये डोनेट करता है, तो आपको अच्छे से पता चल गया। आप देखो कैसे क्वेश्चन के ऊपर आपको अप्रोच करनी है सोल्व करने के लिए। ये तो देखो फिनोल है, फिनोल फिनोल, यहाँ पर देखो कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप मैंने अटैच नहीं कर रखा है, यहाँ पर क्या है फिनोल है, लेकिन मैंने और तो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच कर रखा है, नाइट्रो। और आपको पता है नाइट्रो का तो माइनस आई इफेक्ट भी होता है और माइनस आर भी होता है। यहाँ पर जो मैंने सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अटैच कर रखा है वो कौन सा है, मिथाइल, क्लियर है। और मिथाइल का आपको देखो मैंने अभी मेंशन कर दिया, मिथाइल कौन सा है, एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। मीनिंग ये डोनेशन करेगा, ये विड्रोविंग करेगा, और ये क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और मैंने डायरेक्ट लिखा है कि एसिडिटी और फिनोल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, अगर और तो और पैरा पोजिशन पर आ रही है तो उसकी एसिडिक नेचर उतनी क्या होती है, ग्रेटर होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो ये तो नॉर्मल फिनोल है, किसी भी टाइप का सब्सटीट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन इस वाले में कौन सा अटैच है, नाइट्रो, जिसका इफेक्ट कौन सा, माइनस आई और माइनस आर। और ये पोजिशन जरूर देखनी है, कौन सी पोजिशन है, ये वाली भी और तो पोजिशन है, वन एंड टू, वन टू पोजिशन को क्या बोलती है, और तो सबसे मैक्सिमम जो एसिडिक नेचर कौन से स्ट्रक्चर का होगा, स्ट्रक्चर नंबर है सेकंड का हो जाएगा। अब ये सोल्व हो गया, अब आपके पास वापिस से कंफ्यूजन आ गया, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट वाला तो क्या है नॉर्मल फिनोल, लेकिन थर्ड वाली स्ट्रक्चर में क्या है, एक आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जिसका इफेक्ट कौन सा है, प्लस ए आई वाला है। तो आपको अच्छे से पता है कि प्लस आई वाला पहले से फिनोल की और तो और पैरा पोजिशन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है। प्लस आई इफेक्ट है, मीनिंग ये भी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आपको अच्छे से पता है जब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी फिनोल की, तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मीनिंग फिर नंबर किसका आएगा, नॉर्मल फिनोल, मीनिंग कौन सा जाएगा, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, और फिर नंबर आ जाएगा आपकी स्ट्रक्चर नंबर थर्ड का, क्लियर है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपको डायरेक्ट डील करवाता है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल से, क्लियर है। और ये रीजन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी प्लस आई वाला है, प्लस आर वाला है ग्रुप है, वो ऑलवेज क्या करेगा, फिनोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले भी। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ओएच बॉन्ड इसकी पोलिरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब ओएच बॉन्ड की पोलिरिटी डिक्रीज हो जाती है तो उस वाली कंडीशन में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल ऑल्सो डिक्रीज है। अब इसकी थ्योरिटिकल पोर्शन है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये लीजिए, इन सब्सटीट्यूटेड फिनोल, मीनिंग जो किसकी बात कर रहे हैं, आपके फिनोल है लेकिन उसमें किसको अटैच कर दिया, अगले ने सब्सटीट्यूट ग्रुप को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो उस वाली कंडीशन में देखते हैं तो क्या बोल रहा है, इन सब्सटीट्यूटेड फिनोल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप, मीनिंग इसने एग्जाम्पल दे दिया कौन सा, नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, NO2 ग्रुप। नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, NO2 ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, मीनिंग क्या करता है, फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देता है, उसको इनहेंस कर देता है। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ए ग्रुप इज प्रेजेंट एंड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। और ये इफेक्ट है ना कब मैक्सिमम लगेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप की पोजिशन कौन सी हो, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। और ये बोलने के पीछे इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ओएच बॉन्ड की पोलिरिटी इंक्रीज होगी और एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो ग्रुप की जो इफेक्टिव पोजिशन कहाँ पर अटैच होना चाहिए, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ ए फिनोल, क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनोक्साइड आयन, ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज एल्काइल ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की में इसने एग्जाम्पल किसका दिया,
एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मीनिंग मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीजेस इन एसिडिक स्ट्रेंथ। क्रिसोल फॉर एग्जाम्पल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, मेटा नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल है, और यहाँ पर एक वैल्यू दे दी है किसकी, पी की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हिंट प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, जो एसिडिटी है जैसे किसी की भी एसिडिटी हो फिनोल की एल्कोहल की, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, ये ध्यान रखना आपको, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू, ये जरूर ध्यान रखना है। तो जब भी आपको पी के वैल्यू देख रहे एसिडिक नेचर आपसे डील करवाता है एसिडिक नेचर से, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए कि जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के के। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल गया नाइट्रोफिनोल की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करो इसको अच्छे से, फिनोल का मीनिंग तो मेरे को पता है क्या होता है, ओ एच, लेकिन अब की बार जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे रहा है वो कौन सा दे दिया, नाइट्रो वाला, और नाइट्रो का मीनिंग क्या होता है, एनओ टू वाला, ये भी आपके फिनोल, और ये थर्ड वाला भी क्या हो गया, फिनोल हो गया। इसने जो मेंशन कर रखा है उसी के बारे में डील कर रही है। तो देखो पहला कौन सा वाला, ऑर्थो, मीनिंग वन टू पोजिशन ऑर्थो होती है, मीनिंग यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दिया मैंने, एनओ टू ग्रुप। फिर मेटा, मीनिंग वन थ्री पोजिशन को क्या बोलते हो, मेटा, मीनिंग यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, एनओ टू, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पर थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, पेरा, मीनिंग वन फोर पोजिशन पर कौन सा ग्रुप लगा दिया हमने, नाइट्रो। और आपको अच्छे से पता है क्या कि नाइट्रो ग्रुप है, इस नाइट्रो ग्रुप का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विड्रोविंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, मीनिंग माइनस आई होगा और माइनस आर होगा, क्लियर है, माइनस आई और माइनस आर। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो आपके रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो ऑलवेज वर्क करता है और तो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर कभी वर्क नहीं करता, ये मेटा पर है तो यहाँ पर माइनस आर अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन ये पैरा पर है यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आर इफेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, वर्क करेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको एसिडिक नेचर से डील करवा ले, तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग पावर किसकी होती है, माइनस आई और माइनस आर वाले की, यहाँ पर दोनों वर्क कर रही है, यहाँ पर भी दोनों वर्क कर रही है, लेकिन आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिस्टेंस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, मीन जैसे जैसे एज वेल एज डिस्टेंस इंक्रीजेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेस, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले ये डील करना पड़ेगा कि जो एसिडिक नेचर है सबसे मैक्सिमम या तो किसका होगा, ऑर्थो वाले का, अदरवाइज किसका होगा, पेरा वाले का। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि किसका एसिडिक नेचर हाई है, तो यहाँ पर भी देखो इसका भी माइनस आई माइनस आर है क्योंकि पेरा पोजिशन पर है, और ये ऑर्थो पर है तो इसका भी माइनस आई और माइनस आर है। लेकिन यहाँ पर माइनस आई वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये देखो बिल्कुल पास में है क्योंकि टू नंबर पर आ रहा है, और यहाँ पर कितने पर आ रहा है, फोर पर। नहीं, अगर आपको यहाँ पर बात करनी है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की, तो सबसे मैक्सिमम अगर इसको स्ट्रक्चर नंबर में वन बोल दूं, स्ट्रक्चर नंबर टू से रिप्रेजेंट कर दूं, और इसको स्ट्रक्चर नंबर थ्री बोल दूं, तो देखो सबसे ज्यादा किसका एसिडिक नेचर होगा, आपके स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट का। अब आपको ये पता चल गया इसमें माइनस आई और माइनस आर दोनों, इसमें केवल माइनस आई है तो कहाँ किसका ग्रेटर देन होगा, थर्ड वाले का, देन नंबर किसका जाएगा, थर्ड वाले का, क्लियर है। और फिर देखते अपन कौन सा है, मेटा, क्लियर है, कौन सा है फिर आपके, मेटा। तो मेटा के ऊपर अब आपको ये ध्यान रखना है कि देखो मेटा है तो मेटा के ऊपर तो कौन सा लग रहा है, माइनस आई वाला, नहीं फिर नंबर किसका आएगा, सेकंड वाले का। ये ऑर्डर होना चाहिए था किसका, एसिडिक नेचर का। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो इसने एग्जांपल मेंशन कर रखा है वो किसके बेस पर है, तो यहाँ पर देखो बेस क्या ले रखा है, पी के ए वैल्यू। और आपको अच्छे से पता है कि जो पी के ए वैल्यू है वो एसिडिक नेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीनिंग जिसका पी के ए वैल्यू ग्रेटर देन होगा उसका एसिडिक नेचर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर देखो मेटा नाइट्रो फिनोल के लिए क्या है, 8.3 मैक्सिमम है, यहाँ 7.1 7.2 और यहाँ पर कितना 8.3, मीनिंग मेटा वाले का सबसे मिनिमम क्या होगा, एसिडिक नेचर, तो मेटा वाला सेकेंड है तो मेटा वाले का क्या हो गया, सबसे मिनिमम। अब यहाँ पर डील करते हैं, देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है ऑर्थो और पेरा। ऑर्थो के लिए कितनी आपके पी के वैल्यू है, आपके ऑर्थो के लिए 7.2 है, क्लियर है, और पेरा के लिए कितना आपके पास, 7.1 है। और जितना आपका पी के ए क्या होगा, पी के ए की वैल्यू लोअर होगी एसिडिक नेचर उतना ही क्या होगा, ग्रेटर होगा। नहीं, यहाँ पर पेरा के लिए 7.1 और ऑर्थो के लिए कितना हो गया, 7.2, मीनिंग मिनिमम किसके लिए है, 7.1 मीनिंग पेरा के लिए, मीनिंग यहाँ पर मैक्सिमम किसका होगा, पेरा वाले का होगा, क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर भी नंबर किसका आएगा, आपके पेरा वाले का मैक्सिमम है, मीनिंग सबसे मैक्सिमम। देखो ये वाला जो ऑर्डर है ना,
ये ऑर्डर तो आता है अपना कौन सा थ्योरेटिकल बेस पर आता है, क्लियर है। लेकिन एग्जाम में यही मिस्टेक हो जाती है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फिर अगर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो वहां पर ये वाला ऑर्डर नहीं आया, वहां पर थोड़ा सा चेंज किया हुआ, पेरा वाले का जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, ऑर्थो वाले के कॉम्पेरिजन में ग्रेटर हो गए, तो आपको ऑर्डर क्या बनेगा यहाँ पर इसीलिए मैं बोल रहा था बड़ा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे मैक्सिमम थर्ड वाला मीनिंग पेरा वाला आएगा, फिर कौन सा आएगा आपके फर्स्ट वाला मीनिंग ऑर्थो वाला, और देन आएगा आपके मेटा वाला मीनिंग सेकेंड वाला। ये ऑर्डर कौन सा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, और ये एक्सपेरिमेंटल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ पीके वैल्यू, और पीके जो वैल्यू आती है ये किस पर डिपेंड है, एक्सपेरिमेंट से आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपन से यही मिस्टेक होती है कि अपन किसका ज्यादा बोल देती है, और तो वाले का, बट एक्चुअल के अंदर जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया उस वाली कंडीशन में जो पेरा नाइट्रोफिनोल का एसिडिक नेचर क्या आता है, ग्रेटर आता है। तो ये वाला एग्जाम्पल है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कर लेना, मैक्सिमम चांस में क्या करती है स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर देती है और उनका रॉन्ग हो जाता है। आज के लिए इतना, इस यहाँ पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट